और मैंने सरपंच इलेक्शन भी लड़ी थी लेकिन मैं हार गया कुछ वोटों से। अभी मैं पंच हूँ जहाँ, और जहाँ मैंने अपने इश्तेहार में भी दिया था कि हम मैं जीत के आऊँगा तो गांव में रोशनी होगी, गांव में हम लाइटें लगाएंगे, तो वो हमने सरपंच साहब ने भी सरपंच साहब से रिक्वेस्ट की कि सरपंच साहब लाइटें होनी चाहिए गांव में, चोरी का डर भी होता है लोगों को, जब कई बार ऐसा होता है कि ऐसे ग्रो हो जाते हैं लोगों में, दहशत फैल जाती है कि चोरियाँ हो रही है तो लोग पहरा देते हैं तो रोशनी नहीं होती गाँव में, गलियों में अंधेरा रहता है, कि रोशनी होगी तो उससे एक तो गाँव अच्छा लगेगा दिखेगा, तो दूसरा नंबर चोरी का जो है वो भी थोड़ा फ़र्क पड़ेगा ज़रूर, आने जाने में लोगों को रात को कोई चल रहा है तो पहचानने में आसानी हो सकती है, हमें पहचान सकेंगे आसानी से कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है, तो ये थोड़ी सुविधा लोगों को मिलेगी, तो हमारे लोगों की काफ़ी देर की मांग थी जो लाइटों की वो हमने पूरी कर दी है। अभी मेरी वार्ड में कुछ लोगों की मांगे हैं, कुछ गलियां हैं, एक दो तीन गलियां हैं जो जिनकी हालत खस्ता है, तो मैंने इनको वादा किया है कि मैंने अपने 5 साल के जिस इस अरसे में मैं सारे जितनी मेरी वार्ड है एक भी इंच कच्ची जगह नहीं रहेगी, सारी गलियाँ जो